हम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 93A के सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी में खड़े हैं। यहाँ रहने वाले और आसपास रहने वाले लगभग 7,000 लोग हैं जिनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। ये सांसें ऊपर नीचे इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब ये तस्वीर देखिए, ये 40 मंजिले की इमारत, दो इमारतें हैं सुपरटेक के, ट्विन टावर कहते हैं, इन्हें ढहाया जाना है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 28 तारीख को इन्हें ढहाया जाएगा। एडिफिस नाम की एक कंपनी है जिसको ढहाने का काम दिया गया है। आप देखेंगे पूरी इमारत में काले कपड़े और सफेद कपड़े लगा दिए गए हैं और अंदर जो है पिलर्स में बारूद भरा जा रहा है, जो जानकारी मिली है। अब लेकिन आप देखिए, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली है और यही सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती भी है कि जो यहाँ रेसिडेंशियल टावर है उसको सफेद कपड़ा, ये जो कपड़ा लगाया गया है इन बिल्डिंगों में, ये नॉन वूवन जियो टेक्सटाइल कपड़ा है। इसमें बीच में कहीं सिलाई नहीं होती है और ये इको फ्रेंडली कपड़ा इसको लगाया गया है, इससे धूल अंदर नहीं जाएगी। तो ये जो ये तीन टावर हैं इस बिल्डिंग के, इनको ढक दिया गया और इन सब बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। और जो बिल्डिंग गिराई जानी है, जो टावर गिराए जाने हैं उसके, और जो रिहायशी टावर है सुपरटेक एमरल्ड का, उसके बीच सिर्फ 9 मीटर का अंतर है। तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा, सिर्फ 9 मीटर का अंतर है। तो सोचिए कितना खतरनाक होने वाला है। लेकिन जो कंपनी है एडिफिस, इसका काम ही है पेशेवर तरीके से ये बड़ी बिल्डिंगों को जमींदोज करते हैं। जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो अगल बगल के जगह जो मलबा है वो सीधे नीचे आएगा, तो नीचे और गड्ढा किया गया है। और गड्ढा करने के अलावा जो जो बारूद ही भरा जा रहा है वो पिलर्स में भरा जा रहा है। जो काले कपड़े आपको नजर आ रहे होंगे, सफेद कपड़े नजर आ रहे होंगे, और ये जो पूरी आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सुपरटेक एमरल्ड नाम की सोसाइटी है, इसी ने ही मुकदमा लड़ा था। और मुकदमे को जीतने के बाद भी दोनों जो अवैध ट्विन टावर हैं उनको गिराने के आदेश हुए। अब जो जो यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने बैठक करके अधिकारियों से और एक्सपर्ट से फैसला लिया है कि 28 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके शाम 4 बजे तक ये जो सोसाइटी के लोग हैं, लगभग 3500 से 4000 यहाँ पर लोग रहते हैं, इन्हें सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अपना घर छोड़ना होगा। इसके अलावा पीछे एटीएस सोसाइटी है, वहां के भी रहने वालों को अपना घर सुबह 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक छोड़ना होगा। और 2:30 बजे का वक्त 28 तारीख को तय किया गया है, मुकर्रर किया गया है इस बिल्डिंग में विस्फोट करने का। और 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक आसपास की जो सड़कें हैं वहां पर यातायात बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ एक भी गाड़ी, तो आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनकी गाड़ियों को भी यहाँ से हटा करके कहीं और पार्क करवाया जाएगा, जिसकी जो आज्ञा है इसका इंतजाम नोएडा अथॉरिटी कर रही है। देश में ये पहली बार हो रहा होगा कि इतना बड़े जो 40 मंजिले के टावर्स हैं जिनको गिराया जाएगा और इनके आसपास लगभग 400 मीटर की आबादी में 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। तो सोचिए कि 9 मीटर की दूरी पर सैकड़ों परिवार रह रहे हैं और ये बिल्डिंग नीचे गिरेगी, सीधे नीचे गिरेगी। और जो कंपनी है एडिफिस जो काम कर रही है, उसका कहना है कि एक मलबा भी इधर आके गिरेगा नहीं, अंदर पूरी तरीके से बारूद जो है पिलर से भरा जा रहा है। अब एक और चुनौती जो है वो सामने आ रही है कि अगर मलबा गिर गया, या जितनी ऊपर देखिए 40 मंजिला इमारत है और ये लगभग 15 से 20 मंजिला इमारत है बगल में, और इस पर मलबा गिरा तो छत भी टूट सकती है, तो इसका भी इंश्योरेंस कराया गया है, तो उसका भी इंतजाम कर लिया गया है। और ये जो कपड़ा भी जो लगाया गया आप देख रहे हैं सफेद कलर का कपड़ा, ये पूरा कपड़ा पूरे सोसाइटी में लगा दिया जाएगा। अभी जो करीबी टावर है वहां लगाया गया है। इस कपड़े को कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, नॉन वोवन जियो टेक्सटाइल क्लॉथ, तो उसको लगाया गया है। इसके अंदर बिल्कुल भी धूल नहीं जाएगी, इसके अंदर से ऐसा कपड़ा है। और जो इस सोसाइटी की जियो स्ट्रक्चरिंग यानी इसकी पड़ताल कराई गई कि अगर ये धमाका जो होगा लगभग 50 मीटर तक इसका असर हो सकता है, तो 50 मीटर के दायरे में तो पूरी बिल्डिंग आ गई। इसमें कुछ पिलर्स हैं जो कमजोर हैं, लगभग 40 से 42 पिलर्स हैं जो अंदर कह लीजिए आम भाषा में खंबे हैं, जिनके ऊपर जिनकी नींव पर ये बिल्डिंगें तनी हुई हैं, उनमें मरम्मत का काम किया जा रहा है, उसका पैसा सुपरटेक दे रहा है। तो वो मरम्मत का काम 25 तारीख तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस बिल्डिंग को 28 तारीख को गिराया जाएगा। एक जो एडिफिस कंपनी के साथ में एक जेट कंपनी है, उसको भी वो उसने भी साथ में टाई अप किया है, यूके से एक्सपर्ट आए हैं और जो
भारतीय तमाम संस्थाएं हैं वो भी लगी हुई हैं। बाकायदा जियो स्ट्रक्चरिंग कराई गई है, आसपास लगभग 5 सोसाइटीज की पिलर्स तय किए गए हैं कि अगर धमाका होता है तो क्या सोसाइटी तो ना गिर जाए, क्योंकि धमाके से कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है, उस वाइब्रेशन से टावर गिर सकते हैं। तो बाकायदा सर्वे कराया गया, उसमें पाया गया है कि 43-43 पिलर्स हैं जो कमजोर है, इनकी मरम्मत की जा रही है, तो 25 अगस्त तक मरम्मत पूरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख का आदेश दिया है, लेकिन अथॉरिटी ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 सितंबर तक का और वक्त मांग लिया है कि 7 दिन ऊपर नीचे अगर होता है, मौसम खराब होता है या दूसरी वजह से अगर उस दिन भाया नहीं जा पाएगा तो 4 सितंबर तक ये काम पूरा कर लें। तो एक बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, ये सिर्फ 9 मीटर का डिफरेंस है, नीचे टावर की मरम्मत का काम चल रहा है और ये बिल्डिंग गिराई जाएंगी। और ये बिल्डिंगें जो दोनों टावर्स हैं ये काफी दूर से देखे जा सकते हैं, करीबन 10 किलोमीटर के आसपास अगर आप आ रहे हो तो आपको नजर आ जाएगा आपकी उसी सोसाइटी है नोएडा में, और अगर बादल नहीं है, कोहरा कुहासा नहीं। तो फिलहाल अभी बिल्डिंग है 28 तारीख को, इस बिल्डिंग दोनों टावर्स को 28 तारीख को दोपहर 2:30 बजे गिराया जाएगा, ढाया जाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 9 मीटर की दूरी पर ही सैकड़ों परिवार रहते हैं और हजारों लोग जो हैं वो लगभग 500 मीटर के दायरे में रहते हैं। उनकी जिंदगी का ध्यान रखना, उनके घरों का ध्यान रखना सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए सब लोगों को कह दिया गया है कि आप सुबह 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक अपने घरों में नहीं आएंगे। 4 बजे से पहले अगर सब कुछ सही रहा तो बकायदा अधिकारी आएंगे, यहाँ का मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद वो बताएंगे कि आप अपने घरों में, जो लोग यहाँ से सुबह जाएंगे बाहर, वो वापस आ सकते हैं या नहीं। सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।